नमस्कार, मैं अजय। कोई सर्वे सर्वे तो है नहीं, लेकिन यह है कि ये गांव की, अगर बाप की बात करूं, गांव की अंदरूनी मन की बात करूं, तो आज बाप होते हैं जो गांव के लोग बोलने का काम करते हैं अपने वोटरों के लिए, अपने नेताओं के लिए और अपनी पार्टियों के लिए। तो जी आज मैं गांव ले गया एतमपुरा, जो तो शाम हल्के का एक गांव कस्बा हम इसको कह सकते हैं। कस्बा बड़ा इनका कैरू लागा है, लेकिन ये कस्बत है, कम नहीं है, क्योंकि दो पंचायत है और दो पंचायतों के अंदर आज क्या है कि यहाँ पे अगर बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी के भी नेता बड़े बढ़ चढ़ के यहाँ पे वो प्रोग्राम किया गया था, वो ठेकेदार का, जहाँ पे वो प्रोग्राम की पिछले गांव के अंदर, पिछले जगह के अंदर वो प्रोग्राम था। तो आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, और ये मंदिर है जी, इस गांव के धरोहर में किसी महापुरुष ने ये पेड़ लगाए थे, तो उनको नमन है जिन्होंने पेड़ लगाए थे। कि आज पूरा गांव की व्यवस्था आज ले गया एतमपुर की व्यवस्था यहाँ से देखी जा सकती है। अब 2024 आ गया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव की चचाटे के अखबारों के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, यानी ये है कि आए दिन पता सुनने को मिल रहा कि हाँ अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, कि प्रत्येक पार्टियाँ, प्रत्येक नेता घर से निकल के अब ऑफिस खोलने लग गए, और ऑफिस खोलने गए, ऑफिस खोलने के साथ साथ में कार्यकर्ताओं को जोड़ने लगे और कार्यकर्ताओं के मन की बात को टटोलने लग चुके, क्योंकि नेता घर घर पे हो चुके। तो आज गांव एतम ले गया एतमपुरा का सौभाग्य कि तो शाम का जो भाजपा पार्टी ने नीति बनाई हुई है, आज आगे आज बाबा भाजपा पार्टी ने एक नीति बनाई हुई है कि जी वो पहले लोकसभा के चुनाव के उन्होंने कार्य खोले युवाने के अंदर, और अब आपके तो शाम हल्के के अंदर से आज मुख्यमंत्री साहब लाइव आएंगे, और लाइव आके वो आज विधानसभा का जो ऑफिस बनाया तो शाम का आपके हल्के के लिए, वो यहाँ पे बनाया गया है। तो ये भाजपा की उपलब्धि है कि भाजपा धरातल पर अपने आप के लिए, अपने पार्टी के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए धरातल पर काम करती हुई देखी जा सकती है। यानी दिन प्रतिदिन भाजपा ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो धरातल पे है, और कांग्रेस पार्टी के नेता है और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता है और राज्य स्तरीय दलों के नेता है, वो नेता अभी वेट कर रहे, आचार संहिता का वेट कर रहे या किसी और पार्टी का वेट कर रहे, लेकिन वो चुप है, साइलेंट है। भाजपा जोर शोर से तो शाम की बात हो, चाहे आज एतमपुरा ले गया एतमपुरा की बात हो, यानी यह कि भाजपा ने ना तो बैठी है और ना एक ही कसर छोड़ दी है, धरातल पर भाजपा भाजपा हो रही है। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा भैया, अगला धरातल पर तो भाजपा भाजपा हो रही है, वाच तमें काम के आधार पर के भाजपा भाजपा हो रही है, काम के बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम जी ठीक है, राजनीति है, काम तो ले सब ठीक है, लेकिन कमी भी है, बढ़िया भी है, सारी चीज है। देखो इलेक्शन है, देखो कि जनता के रुख रहे, जनता तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी, तो जनता का के रुख बन लगे ताश भाई खेलने नहीं आदमी, टाइम पास दो मिनट करेगा आज, थोड़े कौन खेला उनको अंदर है, आज दो अंदर हो गए। नमस्ते, नमस्ते, ये ज्ञान है, बढ़िया। तो एतमपुरा गांव ले गया, गांव के मन बना रहे हैं, किस तरह के बढ़ेगा? हमारा तो बीजेपी है भाई, बीजेपी है, जब बीजेपी के कार्यालय प्रोग्राम सर, आप गए प्रोग्राम में? राजे मैं आज आ गया, फिर आज तो बदलाव है, बात को नहीं करी है ना, वो जो पहली बात थी 2019 की सीटें, हां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत मिलता लेकिन ज्ञान की बात करना क्या ज्ञान की कंपटीशन क्या नाम का है, जब एक तरफ भाजपा भाजपा माहौल बन रहा है, हम चार आदमी खड़े हैं, चारों भाजपा बोलो, फर्क से आगे लाओ, फर्क सही वो सरवा नहीं है ना 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 ना, 10 की 10 सीटा को नहीं कहा भाई, बीजेपी 3-4 सीटा पर बीजेपी की बहुत तगड़ी फाइट है एमपी में, इसमें कोई शक अच्छा नहीं। तो बताओ कौन कौन सी है, रोहतक शीर्षा, तो शीर्षा होगी, शीर्षा भी होगी, तो कुरुक्षेत्र 3, अंबाला पर भी कंपटीशन है, 4 हिसार पर भी कंपटीशन है, 5 वो कैंडिडेट देखे जाए, कौन आऊंगा कांग्रेस तो कौन, बीजेपी कौन आवा है, ये तो बहुत कुछ बाकी है, सही को नहीं बाकी है, और कुछ भाई इसी युवा ने 5 सीटों हुए, वो बताया फर्क, अभी कितना वो भविष्य परिवर्तन होगा या नहीं होगा, वो तो इसके देखे जाएगा, कौन कौन नेता हो, कांग्रेस तक कौन है, गठबंधन भी बनया है, बीजेपी का कौन है, धर्मवीर है, 100 मान लिया अपने बुक में, केंद्रीय मंत्री दान की बात कर रहे हैं, उस कैंडिडेट पर बात होगी, भूपेंद्र यादव है, रावतान सिंह है, कांग्रेस है, सुधीर चौधरी है, ये कभी कैंडिडेट मानते हैं, ये 10 की 10 मोदी के होंगे, सबका साथ सबका विकास, आंधी भक्ति ने की मिल जाए, वैसे आंधी भक्ति हो, अजय भाई तीसरी बार मोदी सरकार, क्या कारण है? कारण सबका, हमारा गांव में 12 बालक नौकरी लग गए हैं, अच्छा जी, और बहुत बढ़िया बात, इससे पहले 22 बालक लग लिए, बहुत बढ़िया बात, तो पहले भाई तैयारी गिन दे, जय गिन दे, 12 बालक, अरे बहनी लग गया, हां पूरे लग गए, थोड़ा 12 बालक गिन लांगे, अब गिना देंगे, समय अगर
यार एक बात बता, रोजगार मिलना कोई छोटी बात है की? एक बात बता, पूरा काम में चक्कर मारा, साफ सुथरा काम बैठ दे है, शांति प्रिय काम सबका, कोई गुंडा राज नहीं, कोई दौड़ पोस्ट चौधरी नहीं, कोई दौड़ पोस्ट चौधरी नहीं। 5 साल हो गए, 5 साल में सरकार ने जो एक भी भर्ती पूरी करी, देख लियो ये तो सब मेरा ही इस बात का बताना है, यूं बताना क्या हुआ। चलो बड़ी सरकार बढ़िया करती है, उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन इस युवा ने कहा कि माहौल बदलने वाला है, यानी कोई अच्छी बात नहीं माहौल के लिए। तो जी ये गाँव ले गया इतमपुरा, इतमपुरा अच्छा, इतवान अलग है, लेगा अलग है, लिख गया दो काम, एक लिख गया पंचायत, दो लिख गए इतवान और लिख गया बानाड। अच्छा पंचायत दो है, पन्ने अलग, दो पन्ने दो अलग अलग है, है वो काम एक कहे हो मिले हुआ काम। अगर सारा काम की बात करा तो सारा बासवा में, ये बासवा काम है या इस तरह के और भी है? ये तो एक बात और है, काम का तो नहीं तो ये हल्का तो ये है। एक बात और है जी, इलेक्शन का तो जीत पता चलेगा, इलेक्शन का तो जीत पता चलेगा भाई, इलेक्शन में कैंडिडेट कौन उतरा है, बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है, फिर तय होगा वो तो भाई कैंडिडेट का किसका है। अजय भाई मोदी की गारंटी है, मोदी को वोट दिए कैंडिडेट को, कमल का फूल को वोट जाएगा भाई, काट के हंडी बार बार ना चढ़ेगा अजय भाई। अच्छा बादशाह अपने सांसद जो बन रहा था रणवीर सिंह, ठीक है आपने पूरे तो सा मलका मार दी, तो किसी नागते देखा को नहीं होगा, देखा भी होगा तो कोई पत्थर नहीं पाऊ, आपने कोई भी सार्वजनिक काम कोई भी कराया हो तो 10 साल में इसने कोई भी सार्वजनिक काम नहीं किया। बात मोदी गारंटी, किसान का जीव हाल हो रहा है, जवान का युवा हाल हो रहा है, जो फौज में जाया कर दे 4 साल ये कर दी, किसान थे उनका सब की मार दिया, तो ये कट जाएंगे भाई, ये तो माहौल बदलता होगा। किसान को मार के दिया वो तो बता, मार दिया हर तरफ को मार दिया, 5650 सरसों गेहूं 2175 रुपये, बाजरा 2500 रुपये, पैसा भी ने बीमा काट लिया ही कपास का, कपास का बीमा काट लिया 6 महीने पहली, ये कुसुम कंपनी तय दे दिया ठेका, तो वह तो पीना दे भाई कपास के 12,000 रुपये कपास का बीमा है भाई, कौन सा 22 का है मेरा के बस बीमा नहीं करा, मेरा क्यों आओगे यार कले में, बीमा आया था 2-10 हजार रुपये उन्होंने दे दिए, 20 हजार रुपये आगे, 10 हजार रुपये आगे भाई साहब, इतना ब्याज बन जाए एक साल में 10 हजार दे दिए, 10 हजार कंपनी तय वापिस दे दिए, कंपनी का बीमा कटवाया 10 हजार रुपए का प्रीमियम दे दिया, 20 हजार रुपए आगे, 10 हजार ये मिले मैंने, 10 हजार रुपये 4.5 का आए कितने 20 हजार रुपये, 10-12 हजार रुपये किला, 12 हजार रुपये पर तारपाना इनके आदमी है, नुकसान दिखाऊंगा नहीं, नुकसान दिखाऊंगा नहीं, खुद की कंपनी होगी, नुकसान दिखाऊंगा ये तो 10 की 10 सीट आऊंगी यार, 10 की 10 भाई अजय भाई, दस की दस सीट बताऊं, ये 5 सीट भी कोनी आवने की, देख ले 5 सीट भी नहीं आऊंगी, तो बात गलगल घोट हो जाएगा, तो आप देख लियो एक बार तो सामने क्या लो, देख लियो जो अपने अपने नेता है, अपने अपने नेता अपने नेता ही गाऊंगे यार, लेकिन सबका साथ सब ऐसे आदमी जो पूछो बिना इलेक्शन का के है, सीट का तो देखो जनता बताओगी भाई, कहोगी बताने तो मदद से बता दियो बीजेपी के कहां से ला दियो, ये दो बिना बात में किसी का पॉलिटिशियन है, इनने बंटवारा कराया भाई, बंटवारा करना था ना किमे नहीं कराया, इनने देश का विभाजन कराया है, दो भागा में बांट दिया, ये राम मंदिर पर करने लगे पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम पर पॉलिटिक्स, बजरंगबली है बजरंगबली का होगा ना, देश में तो राम मंदिर तो बहुत बड़ा वो हो गया आस्था अपनी, लेकिन हिंदुओं ने कहा राम मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर राम मंदिर के अंदर राजनीतिक ना करो, पहले कौन से DSP वो है कलेक्टर है जो मोदी आने तो रिटायर हो गए, बेरोजगारी चरम पर है, 39% चाली अपनी बेरोजगारी दर, 39% चाली हरियाणा की, इन्हें बेटा गर्क कर दिया, चौकड़ता होते हैं आज क्या रन के थ्रू लगाने लगे, पक्की भर्ती क्यों नहीं करते, पहली सरकार करे कर दी, पहली रुपया कौन था यार, इस तरह का आदमी जब माइक पे ऊपर क्या देख 10 की 10 सीट मारी आओगे, इन्हें विभाजन कर रखा भाई देश का, सर आपने मान ली पार्टी जो भी पार्टी है सत्ताधारी पार्टी है जो विपक्ष में बैठी है, जनता के बीच आऊंगी वो अपना मैच वो बताऊंगी भाई हमने क्या काम किया, तो जनता फिर बता देगी भाई साहब, उन लोगों का मत है तो लहरों के साथ बैठते हैं, हाँ लहरों के साथ बैठ जाए, ये उन लोगों का मत है, चलो ये मुद्दा बता जा है, हाँ नमस्ते, बात सुन के उड़ता आगे है, विचार दे जाओ पूरी जानकारी देगा, सारे जानकारी है यार, भाजपा तो रात लग रही है, ऑफिस खोल दिए, सारे कार्यकर्ता इकट्ठे कर लिए,
कांग्रेस पार्टी है और पार्टी है छत्री पार्टी है वो कब क्या करता है खत्म से कांग्रेस तो खत्म की धरती तो खत्म है कांग्रेस का क्या जिक्र है कांग्रेस का सब सब सारे बीजेपी में बड़े बड़े समाचार तो सुन के देखो आप ना सुन तो देखो क्या हो सके कुत्ते ने खड़ा कर दिया तो बीजेपी वोट पड़ेंगे जात खड़ा करके जीतारे का मत बीजेपी का आदमी जीता मेरे का मत दोनों पाने पहले की उसमें हरिया जया कर दी वो आगे यही कौन जीत गया दिल्ली पुलिस भी तो सह तो लोग रही है तो इससे भारत की है हमारी टीम तो थोड़े हमारी वो भी लागे है कितना बता आज उद्घाटन है और मैं लोगों के बीच में उलझ गया इस प्रकार से भाजपा के कार्यालय खुल रहे उसी प्रकार से लोगों के अंदर भाजपा मन के अंदर भी बैठी देखी जा सकती है अब ये लोगों के विचार थे ना तो मैंने विचार बदलने का काम किया जो विचार थे वो लोगों के थे तो ये अच्छी बात है किसी पार्टी के लिए अच्छी बात है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि जिस प्रकार से आपकी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा उसी प्रकार से आपका दातल पे भी काम दिख रहा और देखा जा सकता है क्योंकि मैं ये बात क्योंकि कह सकता हूँ क्योंकि चाहे आपकी लोकसभा ऑफिस की उद्घाटन की बात हो चाहे आज आपकी फिर से विधानसभा चुनाव के ऑफिस कार्यालय की बात हो तो ये भाजपा धरातल पे भाजपा बिल्कुल फिट फॉर अपनी तैयारियां कर रही और क्या पता वो और अन्य पार्टियां हैं वो अपने परिवारवाद से लड़ रही या फिर वो चेहरे के ऊपर लड़ रही या व्यक्ति आपसी उससे लड़ रही लेकिन वो अभी लड़ाई लड़ रही अपनी लड़ाई लड़ रही और भाजपा उनसे चार कदम आगे धरातल के ऊपर गांव गांव पे देखी जा सकती है कि 2 मार्च की बात करूं तो आज विधानसभा तो शाम का कार्यालय का उद्घाटन है तो यार ले गया मैं वहां से लेगा था तो वहां पे मुझे लोग और मिले मैंने यहां पे दिखाए और अंदर जाके मेरा दीपांशु कैमरा मैन आपको दिखा देगा कौन कौन क्या क्या व्यवस्था कौन कौन दिग्गज भाजपा के कार्यकर्ता के रूम में कौन कौन है कार्यकर्ता आज अच्छा अनिल शर्मा जी आए हैं अच्छा अच्छा तो मिनट वहां छोड़ के पहले यहाँ करूंगा क्योंकि यहाँ मुझे और पार्टी के नेता मिल गए नमस्ते नमस्ते परिचय दो आपका नमस्ते बच्चा मैं कृष्ण वर्मा प्रदेश सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जननायक जनता पार्टी जेजेपी पार्टी कृष्ण भाई साहब क्या बात है भाजपा ऑफिस पे ऑफिस खोद ला रही है प्रोग्राम पर प्रोग्राम कर ला रही है थाल ले सुते कौन जाकर ला रही है नहीं सुते क्यों कौन जाकर ला रही है हर जिला में अब 24 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी ने बूथ योद्धा का मीटिंग ली है भिवानी के अंदर आप वहाँ गए नहीं शायद आप जाते नहीं बुलाने पत्रकार बुलाने से जाते क्यों नहीं मीडिया आप आपकी मीडिया वाले ड्यूटी लगती है आपकी मीडिया एडवाइजर की आप फोन करें सभी पत्रकार पास अब आपके आप सुने अब आपके जो मीडिया कर्मी है जो मीडिया सहकर्मी है उन्हें ठेकेदार पाल रखे तो इसमें मैं क्या करूंगा आप लोग आदरवाल से बुलाओ हम जरूर जाएंगे हम जाते सर हमारी पार्टी तो किसान कमेरे की पार्टी है ठेकेदारों की पार्टी नहीं है मतलब मीडिया की बात की ना चलो अगर कहीं चूक रही है तो उसको सुधारेंगे जिस प्रकार से जेजेपी आपका तो गठबंधन है बिल्कुल तो कट्ठे चुनाव लड़ने की तैयारी है या फिर आपके सहयोग पार्टी है बिल्कुल इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे जननायक जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा है आपकी तैयारी है अभी मेरी तो पार्टी की सेवा करने की सेवादार है ये पार्टी के सेवादार हो वही पार्टी को जिताने का काम करते हैं है नी तो ये पिताजी हैं अंदर परिवार है नमस्ते बच्चा है क्या नाम है मेरे बच्चे का ये हैंडीकैप है कब आते मेरे बच्चे ठीक हो जाएगी और जी नमस्ते नमस्कार काम जाए नहीं बस भिवानी जा रहे हैं भिवानी जा रहे हो चलो जी 2 मिनट रोक के मैंने बात कर ली धन्यवाद आपका जेजेपी के नेता मिल गए थे दो बात उनसे करने का काम किया तो अब दीपांशु अंदर आगे आपको दिखाने का काम करेगा कि कौन कौन अस्थिर गुरु में भाजपा पार्टी की कंध को मजबूत करने के लिए आज ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं और कौन कौन शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं आज के ले गया एतवान के अंदर तो ये सारी इतनी मतलब गंभीर बातें हैं पार्टी का जो भी प्रत्याशी है हम इस बात का मतलब नहीं हम तो केवल पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से इसको कवर का भूत मिलेगा हम सब कार्यकर्ता उसके साथ हमने मिल करके नादिन करके अपने इस 2 साल विधानसभा से अपने कार्यकर्ता हमने सबसे मिलकर के यहाँ प्रत्याशी को अपने को जिताना
परिचय कांग्रेस का जीरो है। निश्चित रूप से आपको मैं बाबे के साथ कह रहा हूँ, मैंने सत्ताईस साल का नाम दिया है कांग्रेस को प्राय समाप्ति की ओर। अब अंदर का सीन आपने देखा और उसके साथ में कुछ कार्यकर्ताओं ग्रुप में है, कुछ पदाधिकारी ग्रुप में, वो बाहर भी खड़े हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे और आने जाने वालों को बुलाकर अंदर बैठने का निवेदन कर रहे। ये पार्टी के कार्यकर्ता अंदर होना चाहिए। अगर जिस पार्टी के कार्यकर्ता अंदर इतना गुमान, इतना अभिमान और इतना स्वाभिमान होगा तो पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी कभी मर नहीं सकती। ये पार्टी की कार्यकर्ता उदाहरण है आज की सभी पार्टियों के लिए कि इन्होंने वो काम किया हुआ कि आज जो जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और एकता का परिचय दे रहे। तो इनके काम को और इनकी एकता को सलाम है कि काम सार्थक हो तो दिखा देना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे वो किसी राजनीति के हो, चाहे वो किसी और के हो। तो सबसे पहले दादा आपका परिचय। मैं कैरू मंडल अध्यक्ष प्रदीप तौर जी। प्रदीप तौर कैरू मंडल अध्यक्ष। तो कैरू आपका मंडल है जी, जो आपका गांव कस्बा है कैरू का। ये मेरे मंडल का गांव है, ले गया तो मेरा ही गांव है ये। ये पहले मंडल का कार्यालय होता था मेरे का, तो आज आपके कंधों पे आज का ये फिर आज आपके कंधे पे तो बहुत बड़ा भार दे दिया आपके तो सामल के भी। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, युवाओं के लिए, आपके साथियों के लिए कि विधानसभा का पहला ऑफिस है वो आपके हल्के के अंदर, जो आपके गांव है कैरू, उसके ब्लॉक को चुना गया। जी जी, तो ये मैं सौभाग्य की बात है कि हमारी कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे थे, तो मेरे को 8 बजे ही ये बोला गया कि भाई वहीं आपका उद्घाटन है। तो मैंने अपने जो प्रोग्राम है साथियों को इनविटेशन किया, तो आपने पता है जी पूरे तोसा मलके से साथी आए हुए हैं, तो हमारी ये सौभाग्य की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ इस हॉल की आपको एक इसमें अचानक ही प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि इसकी मैं आपको बताना चाहूँगा इस हॉल की जो मेरे कार्यालय की इसकी नींव रखी थी। मेरा जब रिश्ते का बात चली गई थी और फाइनल हो गया था और जब इसका फर्श पक्का हुआ तो मेरे रोका हुआ था, और एक 20 सालों से इसमें कैरू में एक आपसी भाई डिस्ट्रीब्यूट था, वहीं भी मैंने यहाँ उसको यहाँ ख़त्म करवाया था। और दूसरा यहाँ नरेंद्र पार्षद है, वहाँ हमारे भाईचारे की मीटिंग में उसका भी राज तिलक की तैयारी। तो हमारा मकसद ये अरब जो 370 धारा जो तोसाम के अंदर जो किरण चौधरी ने लगा रखी है उसको भी तोड़ने का ये कार्यालय करेगा, तोसाम विधानसभा के सभी कार्यकर्ता करें। और ये काफी यहाँ पे तोसाम विधान यहाँ के जो चेयरमैन होते थे 60-70 सालों से यहाँ कांग्रेस का मंत्री होता है। भाई कार्यालय भी अच्छी बात है, कार्यकर्ता भी अच्छी बात है, लेकिन तारे एमएलए भी ज्यादा बढ़ते हैं, डाल रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो ताल ठोक दे है नाच मंडी में, अरे नाच मंडी सुननी पड़ी है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तरफ एक ही कैंडिडेट है कि भाई किरण चौधरी है, हमारे कैंडिडेट जब आपके स्कूल में ज्यादा बच्चे होंगे तो उसमें मैरिट छाटने में आसानी होती है पार्टी को। तो ये क्या नाम था? प्रदीप तंवर। प्रदीप तंवर, या कोई स्कूल की क्लास को लाग रही, जो बहुत बड़ा एक संविधान के अंदर है, बहुत बड़ी अहम भूमिका वाला पद है एमएलए का विधानसभा का। मैं सवाल छोटा नहीं बोला कि आप स्कूल की क्लास तक सीमित ना बंद हो, ये मुंडर छाट जाएंगे। ये है जी, हमारे यहाँ पार्टी के हर कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर टिकट मिलती है ना वो भी चुनाव लड़ने बीजेपी में ऐसी हुआ है कि जभी तो आ रहे हैं और कांग्रेस से जो टूटते ही जा रहे हैं। वो बढ़िया बात है, कार्यकर्ता इकट्ठा होना बहुत बढ़िया बात है पार्टी के लिए। अनिल शर्मा का एक ही मकसद है तो शामिल किसे कमल खिलाना है, बस कमल खिलाना है। हाँ। सब मजबूत हो गए, जिसको भी पार्टी हाँ। टिकट देगी हाँ। सब मिलजुल के कमल खिलाएंगे। आज तो फीता काट दिया है कमल का हाँ। आज काट दिया जी, आज तो शाम से मैं जी बिल्कुल फीता काट दिया है, आज से हमने शुरुआत कर दी है। हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये मतलब है, हमें कार्यकर्ता है, जो भी कैंडिडेट आएगा हम उसके साथ हैं। साथ है नहीं जी, आपको फाइट में ज्यादा है, परमाणु फाइट में है आपके, और फाइट में है अनिल शर्मा ने तो सामने, रविंद्र बापुड़ा फाइट में है, अनिल शर्मा ने ऐतिहासिक रैली करके तो सामने दिखा दिया। अरे जी सर, अनिल शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया मंडी के, जो सारी ऐतिहासिक रैली जो मतलब कभी भी, और महिला तो पूरे उसमें पूरा हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ उसमें रैली के लिए, पसीने तो आ गए।
ये नहीं है। देखिए हमारा एक कल परिवार और बड़ा है जी, हमें इससे दिलासा नहीं होता। परिवार बड़ा है, खाली नेता लेता बड़ा है, प्रतिद्वंदी बड़ा है, परिवार भी बड़ा है। देखो अनिल शर्मा जी से आने से हमें भी मजबूती मिलेगी, भाई साहब आए हैं तो और भी मजबूती मिलेगी। तो यही है कि हमें दिलासा नहीं है कि नेता बढ़ेंगे ना, उतना ही हमारे पार्टी का। पिछली बार मैं आपको बताता हूँ कि जन संवाद के कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री थे तो हमारे तोसाम के अंदर 22 कैंडिडेट थे, अभी तो कैंडिडेट मैं तो कमी मान रहा हूँ। ये कि और आए तो अच्छी बात है। मैडम भी एक कोने में खड़ी, हमारे गेट को नहीं खोल ले, तो मैडम भी आने वाली है। तो ये भी है, तो यहाँ कोई ये नहीं कि यहाँ तो तोसाम का कमल अब की बार तोसाम के अंदर खिलेगा जी, तोसाम के अंदर कमल खिलेगा, काम होगा, क्योंकि यही सोच रखी है।